दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। जोनस के साथ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की भव्य शादी दुनिया भर की सुर्खियां बनी है। तब से क्वांटिको स्टार प्रियंका हमें अपनी टोन बॉडी और ग्लोइंग स्किन के साथ, अपनी बेहतरीन फिटनेस के साथ अक्सर किसी न किसी प्रोग्राम में नजर आती है। प्रियंका चोपड़ा ने एक बार अपने साक्षात्कार में कहा था, मैं अपने शरीर की बात नहीं मानती, मेरा शरीर मुझे सुनता है। प्रियंका अपने तन और मन के अनुसार डाइट लेती है। आप में से जो लोग सोचते हैं कि बर्गर और पिज्जा हानिकारक हो सकते हैं, यहाँ प्रियंका चोपड़ा जब भी आवश्यकता होती है तब वह इसे खाती है। प्रियंका चोपड़ा का फिटनेस लेवल इतना अच्छा है कि वह प्रत्येक एक्शन स्टंट को खुद से करती है। 17 साल की उम्र से मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रियंका चोपड़ा ने अपनी पहली फिल्म से आज तक का एक लंबा सफर तय किया है। हालांकि वह अब एक ग्लोबल स्टार बन गई है, हर फिल्म के साथ उसका फिटनेस लेवल बेहतर हुआ है। प्रियंका चोपड़ा की फिटनेस नियमित रूप से वर्कआउट का परिणाम है। प्रियंका का मानना है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, लेकिन नियमित वर्कआउट उनके करियर में चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं पर फोकस करने और फिट रहने में मदद करता है। अगर आपको ये लगता है कि प्रियंका चोपड़ा बाकी हीरोइनों की तरह ज्यादा एक्सरसाइज में व्यस्त रहती है तो आप बिल्कुल गलत है। प्रियंका चोपड़ा जिम फ्रिक नहीं है। प्रियंका का मंत्र वजन कम करने के बजाय फिट रहना है। वह कहती है कि नियमित वर्कआउट से उनके शरीर को टोन और शेप में बने रहने में मदद मिलती है। वर्कआउट का उनका विचार है कि आप शेप में रहें। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके वर्कआउट हर दिन 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में होता है, जिसमें स्ट्रेचिंग और बहुत सारे योग शामिल होते हैं। प्रियंका चोपड़ा अब ग्लोबल सेलिब्रिटी बन चुकी है, इसलिए रेड कार्पेट और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उनकी नियमित उपस्थिति के लिए उन्हें फिट रहना जरूरी होता है। वह एक अच्छी फिटनेस के लिए योग पर भरोसा करती है। जैसे कि हमने क्वांटिको सीरीज में देखा, प्रियंका हर एपिसोड में अच्छी लग रही थी। योग के अलावा वह कार्डियो वर्कआउट करना भी पसंद करती है, जिसमें ट्रेडमिल, प्रिंट आदि शामिल होता है। उनके लिए योग आराम और ताजगी देने वाला है। जब व्यायाम और आहार के लिए मानक तय करने की बात आती है तो प्रियंका अपनी भाभी सोफी टर्नर की तरह ही बहुत यथार्थवादी है। वह लंबे समय तक डाइट और हार्ट एक्सरसाइज में विश्वास नहीं करती है। वह अपने मन की बात बताती है और मनोदशा के अनुसार व्यायाम करती है। अगर ये पूछा जाए कि प्रियंका चोपड़ा के आहार के बारे में सबसे अच्छा क्या है, तो यह सलाद और टेस्टलेस के फूड की बात नहीं हो रही है, बल्कि यह पिज्जा, बर्गर, घर का बना भोजन और बहुत कुछ के बारे में कहा जा रहा है। प्रियंका का अच्छा मेटाबॉलिज्म उन्हें शेप में रखने में मदद करता है। हालांकि देसी गर्ल के लिए यह मस्तिष्क के संकेतों के अनुसार खाने के बारे में है। वह कहती है कि वह अपने मूड के अनुसार अपना भोजन तय करती है। यदि वह बहुत भारी और तृप्त महसूस करती है तो उनके पास हल्का और संतुलित भोजन होता है। हालांकि ऐसे दिन आते हैं जब प्रियंका को आराम से भोजन करने का मन करता है, और निश्चित रूप से यह बिना किसी अपराध बोध के होता है। सामान्य दिनों में प्रियंका चोपड़ा के डाइट में फल, सब्जियां और बहुत सारे तरल पदार्थ होते हैं। वह आमतौर पर ऑयली फूड से दूर रहती है। योग उनका सबसे बड़ा फिटनेस मंत्र है। वह वजन कम करने में विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिट रहना पसंद करती है। तरल पदार्थों के नियमित सेवन से अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखती है। वह किसी एक दिन घर के बने खानों के विपरीत बाहर का खाना पसंद करती है। मन और शरीर जो कहते हैं उसे खाना चाहिए, लेकिन वह मानती है कि नियमित व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य की पूंजी है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया।